वीडियो में गॉडज़िला के अलग अलग वर्जन को एक्सप्लेन किया था और उस वीडियो पर आप सभी ने हमें बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। इसीलिए हमने सोचा कि हम एक ऐसी वीडियो बनाएं जिसमें हम आपको किंग गिडोरा के मोस्ट पावरफुल वर्जन के बारे में बताएं। तो आज की इस वीडियो में हम मॉन्स्टर वर्ल्ड के सबसे बड़े मॉन्स्टर किंग गिडोरा के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि गिडोरा के वो कौन से वर्जन हैं जो कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल हैं। नए आगे उस चैनल पर तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाना, क्योंकि आपको इस चैनल पर ऐसी कमाल की वीडियोस देखने को मिलती रहती है। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो में आगे बढ़ें। नंबर 5, डेज गिडोरा। डेज गिडोरा को टोहो फिल्म्स ने क्रिएट किया था और ये सबसे पहले अपीयर हुआ था 1996 राइज रीबर्थ ऑफ मोथरा मूवी में। डेज गिडोरा को डेज गिडोरा भी कहा जाता है क्योंकि इसका नाम डेसू शब्द पर रखा गया है जिसका जापानीज में मतलब होता है डेथ। डेज गिडोरा की कहानी लाखों साल पुरानी है। इसे सबसे पहले मार्स प्लेनेट पर देखा गया था जहाँ ये सब कुछ तबाह कर रहा था और उस प्लेनेट को बर्बाद कर रहा था, पर उसके बाद ये उड़कर अर्थ प्लेनेट पर आ गया ताकि वो अर्थ को भी डिस्ट्रॉय कर सके। जिसके बाद मोथरा ने इसका सामना किया और इसे हराकर कैद कर दिया। अगर बात करें इसकी पावर्स की तो ये डेज गिडोरा अपने मिडल माउथ से हेल फ्लेम नाम का एक फायर अटैक कर सकता है, अपने तीनों मुंह से लावा निकाल सकता है, अपनी पूरी बॉडी से पावरफुल शॉक वेव रिलीज कर सकता है और जरूरत पड़ने पर शॉक पल्स भी परफॉर्म कर सकता है। बात करें डेज गिडोरा की फ्लाइंग स्पीड की तो ये मैक 23 की स्पीड से फ्लाई कर सकता है और उड़ते हुए अपनी विंग से हरिकेन विंड्स भी प्रोड्यूस कर सकता है। नंबर 4, ग्रैंड किंग गिडोरा। ग्रैंड किंग गिडोरा सबसे पहले अपीयर हुआ था 1998 में रिबर्थ ऑफ मोथरा पार्ट 3 के अंदर। इसका पहले नाम क्रिटेशियस किंग गिडोरा था जिसने अर्थ पर 130 मिलियन साल पहले अटैक किया था, लेकिन अर्थ पर एक मीटियोराइट गिरने की वजह से सब डिस्ट्रॉय हो गया था और तभी इसे भी अर्थ छोड़कर जाना पड़ा था। लेकिन मिलियन सालों के बाद ये दोबारा ग्रैंड किंग गिडोरा के नाम से लौटता है और ह्यूमंस को मारने और खाने लगता है, जिसके बाद रेनबो मोथरा इसे रोकती है और अपनी लाइट स्पीड मोथरा फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर इसे हराती है। बात करें इसकी एबिलिटीज की तो ये मैक 3 की स्पीड से फ्लाई कर सकता है, अपनी विंग से हरिकेन विंड्स रिलीज कर सकता है और तो और अपने एक विंग के पूरी तरह डैमेज होने के बाद सिर्फ एक ही विंग से बड़े आराम से उड़ सकता है। ग्रैंड किंग गिडोरा भी किंग गिडोरा की तरह अपने तीनों मुंह से लाइटनिंग बीम और ग्रेविटी बीम फायर कर सकता है और इलेक्ट्रिक अटैक शूट कर सकता है। ये ग्रैंड किंग गिडोरा इतना ज्यादा पावरफुल था कि मोथरा को इसे हराने के लिए दो बार ट्रांसफॉर्म होना पड़ा था, पहले रेनबो मोथरा से लाइट स्पीड मोथरा में और फिर लाइट स्पीड मोथरा से आर्मर मोथरा में, जिसके बाद जाकर ही मोथरा ग्रैंड किंग गिडोरा को हरा पाई थी। नंबर 3, लेजेंडरी किंग गिडोरा। मॉन्स्टर वर्ल्ड का किंग गिडोरा, जिसे मॉन्स्टर जीरो के नाम से भी जाना जाता है, मॉन्स्टर वर्ल्ड का अब तक का सबसे बड़ा टाइटन है। इसकी हाइट 521 फीट है और ये 1,40,000 टन जितना भारी है। किंग गिडोरा सबसे पहले अपीयर हुआ था गॉडज़िला किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स मूवी में, जहाँ सामने आते ही ये सब कुछ बर्बाद करने लग गया था, जिसके बाद गॉडज़िला ने आकर इसका सामना किया और अपने न्यूक्लियर बस्ट से इसे खत्म कर दिया। मॉन्स्टर वर्ल्ड के अंदर गिडोरा को एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग बताया गया है जो कि आउटर स्पेस से अर्थ को डिस्ट्रॉय करने आया है। गिडोरा के तीनों हेड में से उसका मिडल हेड सबसे ज्यादा डोमिनेंट और इंटेलिजेंट है और देखने पर ऐसा लगता है कि यही हेड बाकी के दोनों हेड्स को लीड करता है। इसके अलावा गिडोरा के बाकी दोनों हेड्स को देखा जाए तो उसका राइट हेड तीनों हेड्स में सबसे ज्यादा एग्रेसिव है और लेफ्ट हेड सबसे कम। अब बात करें मॉन्स्टर वर्ल्ड के किंग गिडोरा की पावर्स की तो ये ग्रेविटी बीम और स्टॉर्म लैंडिंग जैसे अटैक कर सकता है, मैक 10 की स्पीड से फ्लाई कर सकता है और अपनी बड़ी विंग्स से हरिकेन विंड्स प्रोड्यूस कर सकता है। ये एक बेहद ही इंटेलिजेंट टाइटन है और ये एक किंग ऑफ मॉन्स्टर की पर्सनैलिटी को भी होल्ड करता है। बात करें गिडोरा की ड्यूरेबिलिटी की तो गिडोरा इतना ज्यादा ड्यूरेबल है कि ये ऑक्सीजन डिस्ट्रॉयर के डायरेक्ट अटैक से भी सर्वाइव कर चुका है और अगर कहीं इसका कोई पार्ट डैमेज हो भी जाए तो इसके पास रीजनरेटिव एबिलिटी है जिससे ये खुद को बड़ी जल्दी रीजनरेट कर सकता है। नंबर 2, काइजर गिडोरा। काइजर गिडोरा जिसे मॉन्स्टर एक्स भी कहते हैं, एक स्पेस सुपर मॉन्स्टर है। इसकी बॉडी व्हाइट एंड ब्लैक बोन से कवर्ड है और इसकी आंखें पूरी तरह लाल है। काइजर गिडोरा किंग गिडोरा स्पीशीज का सबसे पावरफुल मॉन्स्टर है और ये इकलौता ऐसा गिडोरा है जो कि अपनी बॉडी शेप और फॉर्म को बदल भी सकता है, क्योंकि अगर ये मॉन्स्टर चाहे तो खुद को सिंगल हेड फॉर्म में भी रख सकता है और जरूरत पड़ने पर थ्री हेडेड मॉन्स्टर में भी तब्दील हो सकता है। बात करें इसकी पावर की तो ये पावरफुल मॉन्स्टर अपने मुंह से एंटी ग्रेविटी बीम फायर कर सकता है जो कि गिडोरा की ग्रेविटी बीम से भी पावरफुल है और इसके अलावा ये अपनी रेड आइस से इलेक्ट्रिक बीम फायर कर सकता है। मॉन्स्टर एक्स यानी केजर गिडोरा किंग गिडोरा के अदर वर्जन से काफी ज्यादा बड़ा और स्ट्रॉन्ग है, लेकिन गिडोरा का एक ऐसा भी वर्जन है जो कि इन सब में सबसे बड़ा और ताकतवर है। नंबर 1, वॉइड गिडोरा। वॉइड गिडोरा को गॉड ऑफ द वॉइड, किंग ऑफ द वॉइड और गोल्डन किंग जैसे नामों से भी जाना जाता है। गिडोरा के दूसरे वर्जन की तरह वॉइड गिडोरा कोई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग नहीं बल्कि एक्स्ट्रा डायमेंशनल एनर्जी बीइंग है और इसकी लेंथ इतनी ज्यादा है कि अभी तक का सबसे ज्यादा बड़ा गॉडज़िला यानी गॉडज़िला अर्थ भी इसके सामने छोटा लगता है। असल में वॉइड गिडोरा गॉडज़िला अर्थ का ही एनिमी है और ये गॉडज़िला अर्थ की एनिमेटेड सीरीज में ही दिखा है। वॉइड गिडोरा एक पोर्टल के जरिए दूसरे प्लेनेट और डायमेंशन पे ट्रेवल करता है और उस दुनिया को डिस्ट्रॉय कर देता है। बात करें वॉइड गिडोरा की पावर की तो वॉइड गिडोरा एक गॉड लाइक मॉन्स्टर है जिसकी पावर इतनी ज्यादा है कि गॉडज़िला अर्थ से लड़ते वक्त गॉडज़िला अर्थ के साथ साथ पूरे प्लेनेट तक को डिस्ट्रॉय कर सकता है और वो ऐसे ही
फिनोरा के बारे में जानने को इतना कुछ है, इस पर एक अलग वीडियो बन सकती है। इसीलिए मैं गॉडज़िला अर्थ और वॉइड फिनोरा पर सेपरेट वीडियोस लाने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको गॉडज़िला अर्थ और वॉइड फिनोरा को पूरी तरह एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये किंग फिनोरा के 5 मोस्ट पावरफुल वर्जन थे। वैसे तो फिनोरा के और भी बहुत से पावरफुल वर्जन है, अगर आप उन पर वीडियोस देखना चाहते हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताओ। इस वीडियो पर हम 10,000 व्यूज का एम करते हैं, अगर एम पूरा होता है तो किंग फिनोरा के मोस्ट पावरफुल वर्जन का पार्ट 2 भी जरूर लाएंगे। बाकी एक जरूरी अनाउंसमेंट ये है कि आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से मिलता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो का कोई भी पार्ट अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूँ किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।